हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है पैन कार्ड से रिलेटेड। क्या आप भी अपने पैन कार्ड को अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो भाई किस तरीके से आप कर सकते हो, उससे लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो मिलने वाली है। सो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रही होगी, सिंपल यहाँ आपके लिए देखना है क्या करना होगा। एंड्रॉइड फोन में फर्स्टली आपके लिए ओपन कर लेना होगा भाई अपने गूगल के लिए, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए क्या है भाई, सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च कर देना होगा भाई जो आपका इनकम टैक्स का जो है ना, ठीक है दोस्तों, हम सर्च कर देंगे। तो इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स को हमने यहाँ पे भाई सर्च कर दिया। जैसे इनकम टैक्स को यहाँ पे हमने सर्च किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आती है उसको हम सिंपल से क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंपल से हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, रिलोड हम इसको करेंगे और यहाँ पर क्या, ये वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है परफेक्टली। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल करना हल्का सा, इंस्टेंटली अगर आप अपने पैन कार्ड के लिए भाई डाउनलोड करना चाहते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में, तो सिंपल से क्या है भाई, आपको यहाँ पर करना होगा भाई इंस्टेंट ई पेन, ठीक है। इंस्टेंट ई पेन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इंस्टेंट ई पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है भाई, आपका जो आधार कार्ड नंबर वगैरह होता है वो सारी चीज आपकी मांगी जाएगी, या फिर आपका फोन नंबर भी मांगा जाएगा, ठीक है। आप लोडिंग वगैरह चल रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपन होके आ चुका है परफेक्टली। तो यहाँ पर क्या है, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हल्का सा और यहाँ पर क्या है, आपको गेट न्यू ई पेन दिख रहा होगा। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, नहीं तो अगर आपका पहले से बन रखा है तो सिंपल यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आधार कार्ड आपका लिंक है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे क्या, कंटिन्यू कर देना होगा, ठीक है। तो ये ना करके हम डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे गेट न्यू ई पेन, ठीक है। गेट न्यू ई पेन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है, जो इसका वार्निंग वगैरह जो यहाँ पे दे रखी है उस वार्निंग को भी आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, तभी आप इसको भाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमारा आधार कार्ड मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम अपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे ठीक है। यहाँ पर कर देंगे हम कंफर्म कर देंगे ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर क्या है, जो भी भाई चार मतलब यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट को हमको रीड कर लेना होगा परफेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, कंटिन्यू आपको कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो आपका नंबर लगा होगा इसमें, फोन नंबर लगा होगा या फिर जो भी आधार कार्ड से अगर आपका लिंक है, तो सिंपल से क्या है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आगे आपको मिल जाएगा इसको कंटिन्यू करने के बाद। तो आई होप आपके लिए समझ में आ चुका हो किस तरीके से आपको इसको भाई डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टेंटली अपने पैन कार्ड के लिए। सो गाइस मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।